हे गाइस, वेलकम टू अटैक फॉर आवर माइंड। तो आज की वीडियो में फिर से हम दो जॉब अपडेट्स का देखने वाले हैं, जो कि फर्स्ट ग्लोबलाइज कंपनी तरफ से आ रही है, जो कि पार्ट है कैपजेमिनी का। कंपनी अभी हायरिंग कर रही है एनालिस्ट पोजीशन के लिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को। एंड सेकंड जॉब माउंट ब्लू की तरफ से आ रही है, तो माउंट ब्लू कंपनी अभी हायरिंग कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल के लिए। एंड इसके लिए आप सभी एलिजिबल होने वाले हो। आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी करा हो, बी बी टेक, एम ई एम टेक, बी सी ए, बी एस सी, बी कॉम, एक्स वाई जेड, आपने कोई भी डिग्री करा हुआ है, आप एलिजिबल होने वाले हो। एंड इसके लिए कोई मार्क्स का नहीं होने वाला। आपके मार्क्स कम है, आपके 10th में, आपके 12th में, आप एलिजिबल होने वाले, अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ मेल, किस टाइप का मेल आपके पास आने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट से देखिएगा, बताने वाला हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, कितना आपको सैलरी मिलने वाला है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। एंड इन दोनों के अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको और भी कंपनियों के लिंक मिलेंगे, आपने उनके लिए अप्लाई नहीं करा उनके लिए अप्लाई करेगा, अभी भी काफी एक्टिव है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर और आप सभी के लिए कि माइंडट्री की हायरिंग हो रही है, जिसकी लास्ट डेट आज ही है। आपने अप्लाई नहीं करा वो अप्लाई कर सकते हो, तो चेकआउट करेगा ना। बात करें पहले माउंट ब्लू के बारे में, तो माउंट ब्लू कंपनी अभी हायरिंग कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग पोजिशन के लिए। एंड कंपनी अभी हायरिंग कर रही है बेंगलुरु लोकेशन के लिए। आप सभी सेलेक्ट होते हो कंपनी में, तो आपको जाना पड़ेगा लोकेशन पर। बात करें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी करा हो, बी बी टेक, एम ई एम टेक, बी सी बी एस सी, बी कॉम, एक्स वाई जेड, आपने कुछ भी करा हुआ है, किसी भी ब्रांच से करा हुआ है, आप एलिजिबल होने वाले, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप सभी को नॉलेज है कोडिंग के बारे में, आपको कोडिंग आती है, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, तो आप एलिजिबल होने वाले हो, क्योंकि आपको एग्जाम में कोडिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको एग्जाम के लिए करना पड़ेगा, तो ये कोडिंग का होने वाला है। देन उसके बाद आपको मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का। एंड कंपनी ने मेंशन भी करा हुआ है, आप लोग फैमिलियर हो जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या पीएचपी के साथ, आप एलिजिबल होने वाले हो। इवन आपको सी भी आता है, आप एलिजिबल होने वाले, अप्लाई कर सकते हो। आपको सिर्फ एग्जाम के लिए करना है कंपनी का। एंड इसके अलावा आपको नॉलेज है वेब डेवलपमेंट के बारे में, ऐप डेवलपमेंट के बारे में, तो आपके लिए प्लेसमेंट होने वाला है जॉब के लिए, क्योंकि आप सभी सेलेक्ट होते हो कंपनी में। तो पहले आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के ऊपर होने वाली है। कंपनी आपको सिखाने वाली है जावा, एच टी एम एल, सी एस एस, पाइथन के बारे में। एंड जो भी आपकी ट्रेनिंग होने वाली है वो 13 वीक की होने वाली है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है। तो पहले आप सभी की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब मिलने वाली है कंपनी की तरफ से। बात करें बैच के बारे में, तो आप सभी 19 बैच के स्टूडेंट हो, 20 बैच के स्टूडेंट हो, 21 बैच के स्टूडेंट हो, 22 बैच के स्टूडेंट हो, चारों अप्लाई कर सकते हो। कंपनी ने कोई बैच मेंशन नहीं करा हुआ है, आपको जॉब चाहिए कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। बात करें सैलरी के बारे में, तो आप सभी को 4 LPA का पैकेज मिलने वाला है पर एनम के हिसाब से, अगर आप सभी सेलेक्ट होते हो कंपनी में। नाउ मिनिमम के अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई विद गूगल वाला, उस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद लॉग इन करेगा गूगल से, एंड लॉग इन करने के बाद आपको डालना पड़ेगा अपना फोन नंबर डालेगा, एंड फोन नंबर डालने का आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इस जॉब के लिए आपको सीवी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना फोन नंबर डालना है, नेम डालना है, एंड अप्लाई पे क्लिक करना है, आपको अप्लाई हो जाएगा। एंड अप्लाई करने के बाद थोड़ा वेट करेगा, आप सभी का टेस्ट का मेल आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए आपको सिंपल दिखाई दे रहा होगा उस टाइप का मेल आने वाला है। जो भी आपका एग्जाम होने वाला है वो हैकरैंक के प्लेटफॉर्म पर होगा, एंड आपके एग्जाम में 3 कोडिंग के क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम क्लियर करोगे जो भी फर्स्ट राउंड होने वाला है, देन उसके बाद सेकंड राउंड देने का मौका मिलेगा। देन सेकंड राउंड क्लियर करोगे, देन उसके बाद आपको टेक्निकल राउंड होगा, एचआर राउंड होगा, देन उसके आपको जॉब मिलने वाली कंपनी में। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो माउंट ब्लू के बारे में। नो बात करें सेकंड जॉब के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक अपडेट और है मेरे पास, जो कि कार्ट24 कंपनी तरफ से आ रही है। तो कंपनी अभी हायरिंग कर दी है फ्रेशर एक्सपीरियंस को, एंड इसके लिए आप सभी एलिजिबल होने वाले हो। आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी कराओ, बी बी टेक, एम ई एम टेक, बी सी बी एस सी, बी कॉम, इवन आपने डिप्लोमा भी करा हुआ है, आप एलिजिबल होने वाले, अप्लाई कर सकते हो। एंड इस जॉब के लिए आप सभी को 20 LPA का पैकेज मिलने वाला है पर एनम के हिसाब से। एंड कंपनी अभी हायरिंग कर दी है रिएक्ट डेवलपर के लिए, तो आपको जॉब चाहिए कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, पैकेज काफी अच्छा है। एंड कंपनी अभी हायरिंग कर दी है जी लेवल के प्लेटफॉर्म से, एंड इस प्लेटफॉर्म से काफी स्टूडेंट को जॉब भी मिली हुई है। एंड कंपनी के बाद मल्टीपल जॉब हो रहे हैं, तो जो भी आपकी स्किल्स होने वाली है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट है फ्रंट एंड में, बैक एंड में, या बिजनेस डिपार्टमेंट में, तो भी आप सभी के लिए जॉब है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। एंड आपका टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन होगा, एग्जाम क्लियर करते हो कंपनी का, आपको जॉब मिलने वाली कंपनी में। एंड कंपनी ने मेंशन भी करा हुआ है आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, एक बार चेकआउट करिएगा अप्लाई करने से पहले। एंड अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलेगा बुक या फीस अलॉट वाला, उस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करेगा एंड अपना एग्जाम शेड्यूल करेगा, एग्जाम क्लियर करते हो कंपनी का, आपको जॉब मिलने वाली कंपनी में। एंड आपको तैयारी करनी है एग्जाम के लिए, आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको सैंपल पेपर चाहिए एग्जाम के लिए, आपको तैयारी करनी है। तो इनके प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड आप सभी लीडर बोर्ड चेकआउट कर सकते हो, काफी स्टूडेंट को जॉब मिली हुई है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, चेकआउट करेगा अप्लाई करने से पहले। एंड इस प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल कंपनी हायरिंग करती है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, तो चेकआउट करेगा, अप्लाई करेगा, मे बी आपको जॉब मिल जाएगा कंपनी में। न बात करें सेकंड जॉब के बारे में, जो कि ग्लोबल एज कंपनी तरफ से आ रही है, तो कंपनी अभी हायरिंग कर रही है एनालिस्ट पोजीशन के लिए। एंड आप सभी सेलेक्ट होते हो कंपनी में,
तो पहले आपसे ट्रेनिंग होने वाली है, इंटर्नशिप होने वाली है, इंटर्नशिप के बाद ही आपको फुल टाइम ऑफर मिलने वाला है कंपनी तरफ से, इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है। जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी, इंटर्नशिप होगी, वो 6 मंथ की होने वाली है। एंड आपके ट्रेनिंग के टाइम पर आप सभी को 10,000 का स्टाइपेंड मिलने वाला है। एंड आफ्टर इंटर्नशिप आप लोग कन्वर्ट होते हैं फुल टाइम के लिए, तो आप सभी को 2.5 का पैकेज मिलने वाला है पर एनम के हिसाब से। एंड कंपनी में बॉन्ड भी होने वाला है जो कि 24 मंथ का है। आप सभी 24 मंथ से पहले कंपनी को नहीं छोड़ सकते, छोड़ोगे तो पेनल्टी पे करना पड़ेगा जो भी कंपनी का अमाउंट होने वाला है। बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो कंपनी ने मेंशन करा हुआ है आप सभी 20 बैच के स्टूडेंट हो, 21 बैच के स्टूडेंट हो, दोनों ही एलिजिबल होने वाले हो। एंड इसके अलावा आपने डिग्री में डिप्लोमा करा हुआ है CSIT ब्रांच से, ECE ब्रांच से, तो ही एलिजिबल होने वाले हो। डिप्लोमा के अलावा आपने और कुछ करा हुआ है आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए। एंड आप सभी का एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th में, या आप डिप्लोमा करा हुआ है या 12th करा हुआ है, 60% मार्क्स हैं, आप एलिजिबल होने वाले, अप्लाई कर सकते हो। ना बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो पहले आप सभी का टेस्ट होने वाला है जो कि ऑनलाइन होगा। एंड आपके टेस्ट में एप्टी के क्वेश्चन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करोगे देन टेक्निकल राउंड होगा, ऐसा राउंड होगा जो कि ऑनलाइन ही होने वाला है। इंटरव्यू क्लियर करते हो कंपनी का, आपको जॉब मिलने वाली है कंपनी में, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा वालों के पास। आपने डिप्लोमा करा हुआ है तो जॉब आपके लिए होने वाली है, अप्लाई कर सकते हो। ना बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा बेसिक फॉर्म में। पहले अपना ईमेल वेरीफाई कराएगा, वेरीफाई कराने के बाद आपका फुल नेम, आपका फोन नंबर डालेगा, आपकी लोकेशन, आप जहाँ भी रहते हो, आपके कॉलेज का नाम, आपकी डिग्री मेंशन करेगा, सारे बेसिक क्वेश्चन है फिलअप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पर, मैं आप सभी की हेल्प कर दूंगा। तो चेकआउट करेगा, अप्लाई करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।